बागपत जनपद में पौधारोपण के लिए कवायद तेज कर दी गई है, जिसके चलते आज जिले भर की 2157 से अधिक साइडों पर पौधारोपण किया गया। जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर मंत्री से लेकर ग्राम पंचायत सदस्य तक ने पौधारोपण किया। आपको बता दें, वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के बागपत वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह, मंत्री पशुधन विभाग के द्वारा किया गया। डोलचा रोड बालेनी ग्राम समाज की भूमि पर उनके द्वारा पौधा लगाया गया। बागपत जिले में 52 प्रजातियों के 13 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। डोलचा में वृक्षारोपण अभियान के उद्घाटन समारोह में वन विभाग के वृक्षारोपण स्थल पर कुल 4800 पौधे रोपित किए गए, जिसमें औषधि एवं जन उपयोगी प्रजातियां शामिल है। इसमें एक हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष्मान की स्थापना भी की गई। मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह, नोडल अधिकारी व जिला अधिकारी ने पंचवटी की स्थापना कर उसमें बरगद, पीपल, आंवला, अशोक व बेल के पौधों का रोपण किया। यह अभियान 22 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। संस्कृत विद्यालय के बच्चों और एनसीसी स्काउट के बच्चों को तरह पेड़ पौधे का वितरण भी किया गया और बच्चों को घर पर पौधे लगाए जाने के लिए प्रेरित भी किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जनपद बागपत में आज 22 जुलाई में करीब 11 लाख पौधे आरोपित किए गए हैं और इसके अलावा करीब 2 से 3 लाख के बीच में पौधे हमारे 15 अगस्त में वृक्षारोपण का किया जाएगा। पूरे जनपद का लक्ष्य 13,79,000 का है और इसी क्रम में हमारी जो 32 साइटें आज हैं 22 जुलाई में, उसमें वृक्षारोपण किया गया। मुख्य कार्यक्रम हमारा आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम बालेनी में किया गया, जहां पर वृक्षारोपण किया गया हमारे द्वारा गौचर की भूमि पर, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में संस्कृत विद्यालय पाठशाला के लोग और हमारे एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों ने प्रतिभाग किया। उसके अलावा जो हमारे जनपद के नोडल अधिकारी सिंथिल पांडियन साहब हैं, जो आबकारी आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के और जिन्हें शासन द्वारा यहाँ के परीक्षण के लिए भेजा गया था, उनके द्वारा विभिन्न साइटों का किया गया। श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज बालेनी में भी उनके द्वारा वृक्षारोपण किया, ग्राम डौला में भी किया गया और अन्य स्थानों पर भी किया गया। उद्देश्य यही है कि 22 जुलाई से 15 अगस्त 2023 के मध्य बागपत में हम करीब 13,79,000 पौधे लगाएं और 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में अगर कुछ पौधे कहीं खराब होते हैं किसी कारण से, उनको परिवर्तित कर दें। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की पारदर्शिता के लिए इसमें GPS मैपिंग भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पौधे जीवित रहें। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि अब 15 अगस्त तक वो प्रातः 9 से 10 के बीच में 1 घंटा वृक्षारोपण के नाम भी देंगे, ताकि जो पौधे लगाए जाएं वो सकुशल रहें और वृक्षारोपण के जो शासन के जो लक्ष्य हैं, जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, उसमें जनपद बागपत एक अग्रणी जनपद के रूप में स्थान पा सके। इस कर्म भूमि को प्रणाम किया है, क्योंकि चौधरी किसानों के नेता थे, तो इसलिए पवित्र भूमि को नमन वंदन करते हुए मैं अपील करता हूँ जनपद बागपत के किसानों से कि खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ लगाने का काम करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और हमारी संपन्नता भी बढ़ेगी। हम वृक्षों को लगाए ही नहीं, वो लगाकर उनका पालन पोषण करें। आज जो लक्ष्य जिलाधिकारी ने और साथ में रखा है, उसको पूरा करने का संकल्प लिया गया है। मैं इसके लिए थैंक यू।